गांव में एक मुखिया रहे सरगना, न्याय करते रहे सदा अपने मति से। हर महिला वो नारी ससुराल भेजती रही और मुखिया अपने ससुराल जाते रहे। अरे मुखिया की बहन भुखला विपत में पड़ी, अरे अपना किसी तरह गुजरान करती रही। अरे रमे राम हित स्वर्गवासी बने, कभी किशोर की कलम ये सजाती रही। देखें एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा मिलन मास्टर कहना है क्या, क्या कहना है? बहुत सही मास्टर इशारा कर रहे हैं कि अरे ऐ गरीबी का दिन क्या सितम है, वक्त आने पर पहचान होगा। और खुल के क्या बात है, आए गरीबी का दिल क्या सितम है, वक्त आने पर पहचान होगा। साथी अपना पराया सभी का, दो घड़ी का वो मेहमान होगा। गरीबी आके थोड़े दिल में चली जाती है, गरीबी आके थोड़े दिल में चली जाती है, भले बुरे को पहचान ये कराती है। गरीबी आ गई थी भुखला बदनसीबी में, गरीबी आ गई थी भुखला बदनसीबी में, विचार कर रही थी बाबूजी गरीबी। विचार करके चली भाई के नगरिया में, और कर कसा भाउज मिल गए पहले वा दुवरिया में, हे भैया जी। आज मुखिया जी की बहन मुसीबत में है बाबूजी, और विचार करके आशा करके चलती है कि आज मैं अपने भाई के यहाँ जाऊंगी तो अगर मुझे धरा दो धरा कुछ अनाज मिल जाएगा तो मेरे बच्चों का सहारा बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त आज मुखिया जी नहीं घर में, उनकी धर्म पत्नी है और रूप रेखा देख करके ननंद के, और वो साथियों एक कहावत है कि त्रियाचरतम दयम न जानम। आज भौजैया खुद रोने लगी देख करके नंदिया के कि हे ननंद जी हमारे ऊपर बड़ा मुसीबत बा, अब क्या कहत बा मास्टर। एक पति और बढ़ाएगा मास्टर, आए क्या कहत बा मुखिया। अरे कहे तौना लई गए चिहु केवा लई गए, अरे कहे कुल समलिया लई गए हे ननंदी, अब कैसे रसोई बनी घरवा चिल्हुरिया वा लई गए हे ननंदी, कैसे रसोई बनी
अपने ननंद के लिए एक भौजाई साथियों झूठ बोल करके एक लोटा पानी नहीं दिया और आज ननंद बिचारी वापस अपने घर को चली जाती मायूस होकर के। जा रही थी रास्ते में डगरा में उसका भाई ससुराल से आ रहा था और बहन भाई का मुलाकात हो गया। बहनिया से भैया पूछे ला कहे भैया कहाँ गए रहे हैं, कहे भैया घरे गए रहे नापे की हाँ, कहीं कब कहीं आ जाए, कहे जब जब तू औती है एको दिन दीदी रहती नहीं है। ये गलत बात है ना, आया करत रहा करा। हाँ। तब रो करके आज बहन भाई से कह रही कि भैया भौजाई ऐसे ऐसे हमके बात कैसे एक लोटा सूख पानी तक नहीं दिया। आज सुन करके भाई बाबूजी नम हो गया और रो करके एक लाइन कहता है, क्या कहता है, अरे कि जा लौट जा तू अपने वतन को बहन, जा लौट जा तेरा भाई तुझे दिल बिसारा नहीं, आज भाई कहता कि ये बहन इस वक्त तेरा कोई सहारा मैं नहीं कर सकता, जा लौट जा, लेकिन वक्त आने पर तेरा मैं जरूर साथी बनूंगा। और भैया उदास होकर के शाम की बेला घरे आए मास्टर, और जब घरे आए तो दुल्हनिया दौड़ के पहुंची, कहले लो कुशवाहा के बाबू ला एक लोटा पानी कुल्ला करा खाना बनावा खाए ला। तो धीरे से बोला कि चला आज हम ना खाई, कहें कैसे तू बोला था गाभिन गाभिन, कहें कुछ नहीं, कहें कौनो बात बा का, कहें बड़ी मुसीबत बा कहें का। तो मनमा सोच ले रहा मुखिया जी कि मेहरारू के कहावत ना कि मेहरार के घोसा भैया बीमारी एक ही बा, तो वह समझ ले रहा रास्ते में तो ही बतावे लाग का बतावे लाग, अरे काय राम नैहर म तोरे लागल अगिया, अरे नैहर म तोरे लागल अगिया, तया मुखिया कहीं बिपतिया भारी पर गई घर में नैहर म तोरे लागल अगिया। अरे छोटे लाल लागल नैहर में, आई बाप रे इतनी बात जब सुनी मुखिया तो कहे कसत लाग गए अम्मा किनागी, तो बतावे लागे का बतावत लाला, कहा अरे जरगा सहमान सब गिर सती वाला, जरगा आए बाप रे कैसे आगी लाग गए, तो बतावत ही मोर भैया कहाँ लगी आग चूल्हा से, अरे बड़ी जोर धधाल लपट उठी तिल गारी, तोर जल गए महल अटारी अटारी, तोर जल गए महल अटारी अटारी, तोर द्वारे के जली फुलवारी फुलवारी, द्वारे के जली फुलवारी फुलवारी, कहे कौन मनाइयो नहीं तो नहीं बड़ा कायर तोर सग गए
कुछ बात भाई काय को मामा काय ना काय फिर फूफा आए रहे का काय ना फिर अरे कहो जलगा जलगा है तोर बहनोई बहनोई तोर कहे जरगा कोठी भरधाल सब यगी सती वाला जरगा कोठी भरधाल जावा दे ए भैया जी जब इतनी बात दुल्हनिया सुनेस तो गोल मेजे लाग धीरे धीरे काहे लाग का कहत बा कि भाई को तो बहनी को तो भाई खाए भाईवा कहे तब एक नहीं समझ में आवा रहा जब मोर बहनिया आई रही दुल्हनिया का कहत बला ला कि अरे पहुँचाई दा थोड़ा सामान सजना पहुँचाई दा मुखिया के आगे खड़ी है नारी लाला कल्लू मुखिया के आगे खड़ी है नारी हमारे मायके में पड़ गए विपत भारी पहुँचाई दा थोड़ा सामान सजना देख हम धरा दू धरा लेके न जा हम अपन बेइज्जती ना कराओ चलते कही दिए मान ली जा एक गाड़ी में जाऊं तुहार मर्जी हो बोरा में चाउर गेहूँ भर दे आए बाप रे जब इतनी बात सुने मुखिया आई तो लाउबाड़ होगी अपने माइके के खातिर करत का है कि गाड़ी में बोरा भरई दोहरा कुछ रुपया चोरावे घुसे रहे मोहरा पहुँचाई दा पहुँचाई दा थोड़ा सामान सजना पहुँचाई दा पहुँचाई दा बरदास्त आज मुखिया जी गाड़ी लेकर के ससुराल को वादा करके धर्मपत्नी से और वचन दिया था अपने बहन को और अपने बहन किया बाबूजी लेकर के बैलगाड़ी पहुंच गए और जब पहुंच गए तो आज बहन से कहते हैं मास्टर क्या कहते हैं हाय हाय बहुत सुंदर मास्टर कि अरे लाइले रे बहिनी कि लाइले रे बहिनी अरे सागर और समलिया लाइले आज कि लाइले रे बहिनी पूरी बैलगाड़ी में सामग्री छोड़ करके और ए मोर भैया जी वहाँ से वापस घरे आवत बा दुल्हनिया संजा के देखेस तो पूछे लायक कहाँ कस बैलगाड़ी में सामान राया ले गया अम्मा की दया है कहाँ हाँ सब दया है कहाँ बैलगाड़िया अरे कहाँ चुप रहो यार कहाँ तो का मैं अब का बताऊँ इतवार सुहाग आया मर रहा भाई ये टवाई बहुत बड़ी चील अब चिल्हिया जा उन्हें पूरा बैलगाड़ी सहित लाद के उड़ी जात रही अब कहीं पटोहवा पर से लाला वही कह सटक गया तब शंका भ कहे बाप रे ई दहियारवा कतो रड़िया कि तो नहीं पहुँचा दी ओके अब पेट में पानी ना पचा मार चिंता में है एक रोज लीला रचत थी का रचत बा मास्टर कहला कहे लौकू से भाग बाबू कहा एट मोसे गलती हो कि कहे का गलती भाई अरे कहा जब ननकवा बा ना वो मूल सांत्र नक्षत्र हो भाई कहता हूँ
अरे कहे पंडित जी बताए रहे कि ननकवा के बुआ आवे मोल घोटाए के कोयला लगाए के और डेहरी पर बैठ जाए, मैं 5 लाख धीरे धीरे मार ले सारा जितना है विश्व खत्म हो जाए। हम जा दिन नहीं तो ये बात तो पहले कहले बताए, अब कहो लाल के ऊपर खतरा हो जात तो मैं क्या करते हो रे, जल्दी खिचड़ी बनाओ खा लो, मैं आप ही जाइ ये मोर भैया खिचड़ी उचड़ी खाए और बहनी खिन जाए बजाए अपने ससुराल पहुँचे। ससुराल पहुँचे अगुआई बूढ़ी बार मिल गए, कहे अम्मा पा लगी कहे खुश रहा बेटवा और सब बिट्टी हाल के हाल चाल बढ़िया बा कहे सबई ठीक बा, लेकिन हम गवैया बजवाइया ही अम्मा जौन हम कहा बताई नहीं धोखा आए कहे कहा बा, अरे कहे तुहार बिट्टी झूठ बोलन बताए ना सुध बोलन ही बा, जब लाला भाऊ मूल शास्त्र रचत कहे तब कहे मूल घोटाए के और कोयला लगाए के तुम चला तुहार बिटिया धीरे से 5 लाख छुआ ले और माना समझ ला कि सारा मूल शास्त्र रचत वाला विश्व खत्म। अरे कहे मोर भैया मैं अपने राजा हन के खातिर कहा न करी हूँ हुआ से चल दी कहे अम्मा कहे यहाँ का घूंघट ना का जाओ न तन को काढ़े रहो खोले ना चाहे जो कुछ हो जाए कहे मोर लाला मोर राजा मोर दामाद हो मैं भला अपने बेटवा बेटवन खातिर मैं ऐसा जितना तुम कहियो मैं उतना करियो। बुढ़ीवा के लेवा लेके अब अपने घर आवा अब दुल्हनिया पूछे ला कहे कस लग उसके बाबू कहे यहाँ कहे बहनी एक बोला ला कहाँ कहे कहाँ वही धुंधुर का डेहरिया कि बैठ कहा मुड़वा घोटाए कहा रोवा नहीं है कहा कोयलावा कहा प्रधान जी के टीप बेलवा से पोत दिए कहा ठीक मनमा मुखिया सोच ला कहे को कहे 5 लाख तो 5 लाख तुम निकाल लो चौकर लास्ट में कहना पड़ा मास्टर का कहना पड़ा हाय हाय अरे बहुत सुंदर क्या बात है मास्टर अरे तो चली बेटी अपने माई के चुकावे हुड़वा कल्लू आई अब 5 लाख कहे है हाँ। 3 लाख मान ली तब तक मैं बोल रहा है दांत और टेघर गा जाड़ा का दिन रहा है कहे को 2 लाख सुबेरे मारियो अब बिचारी बुढ़िया ससान रहा है कि मेहमान कहे रहे कि बोले ना अम्मा घूंघट ना खोल ले बुढ़िया कुछ ना करी सुबेरे देखी भाई जी की बोकरिया से एकदम बारा रह गए तब तक मैं सुबेरे पर बोर हो तो देख जब अरे पर्दा के नाई कहे बाप रे तो मर गई मोर माई मुखिया देख करके अपने महतारी के रोवे लाग और का कहत बा मास्टर का कहत बा कि अरे आई मोर माई अब कैसे बिपतिया सुनब मोरी माई अरे अब सुन भाई मोरी माई और के करे दुआरिया हम जब मोरी माई
तेरी रोवा थी मुखिया कहाँ ते रो मुखिया जी मुखारी उखारी कह के बनिया खीन से गुड़ लाई लाई के खोट के कहना पड़ा मास्टर। अरे बैठे मुखिया, अरे बैठे मुखिया द्वारे, अरे छाला लाई गुड़वा तो चली बेटी अपने माई के चुकावे हुड़वा। क्या बात है, राम हित गुरु सीताराम कवि लहुरी का संदेश। कवि नरेश कल्लू माधव कहें धन हो भारत, कहें नैहर मा तोरे लागल अगिया गवई देश राज, अरे पंचल के समगिया नैहर मा तोरे लागल अगिया। कहना पड़ा मास्टर कि मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती दोस्त समय देखे। मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी पुलिस में हो रही भर्ती, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी भर्ती, मेरे देश की लड़की। लेकिन मेरे दोस्त मेरे देश के पट्टा पहिल के चढ़ा अब झोंक रहे हैं भट्टा, मेरे देश के